जो बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते या पालक देख के भागते हैं, वो भी इसे ना मांग मांग कर खाएंगे। तो आज मैं आपको पालक की बिल्कुल नई और अनोखी रेसिपी बताऊंगी, जो आज से पहले आपने ना कभी देखी होगी और ना ही कभी ट्राई की होगी। देखने में आपको लग रहा होगा कि यार इसे बनाने में तो बहुत ही झंझट है, पर यकीन मानिए ये आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आपने एक बार इसका बैटर बना लिया ना, तो ये सिर्फ एक मिनट में बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे पालक लिया है, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पालक नहीं लगने वाला है, तो एक जोड़ी मैंने यहाँ पे पालक ली है। तो इसमें से कुछ पत्ते लेंगे, और इसका जो डंठल है वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे हमें पत्तों का इस्तेमाल करना है, और इसे रफली कट करके लेंगे। तो टोटल क्या है ना, हमें यहाँ पे एक कप पालक चाहिए, तो इस हिसाब से हम पालक को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप पालक कट करके ले लिया है। ये पालक जो है इसे हमें पीस कर इसकी एक प्यूरी बनानी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम एक कप पालक डालेंगे, और इसी में हम आधा कप पानी डाल देते हैं, और चलिए इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पीस के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से पीस के इसकी प्यूरी बन के रेडी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, साथ में इस तरह की छलनी ली है। तो सबसे पहले ये जो प्यूरी है ना, इसे हमें अच्छे से छान कर लेना है, क्योंकि हमें इसमें पालक के बड़े बड़े चंक्स नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी एकदम फाइन प्यूरी चाहिए हमें। तो ये मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब जो ये पालक बचा हुआ है ना आप हमारे स्ट्रेनर में, इसे आप फेंके नहीं, ये बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आप दाल बना रहे तो उसमें इस पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, चटनी बनाने भी इस्तेमाल आ जाएगा। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब ये जो पेस्ट है इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। तो इसमें हम पाव कप चावल का आटा डालेंगे, इसी में हम 3/4 कप मैदा ऐड करेंगे, और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच मैं इसमें दही डाल रही हूँ, और सेम चम्मच से हम 2 बड़े चम्मच तेल भी डालेंगे, ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। पाव कप हम इसमें चीनी डालेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये काफी गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया है, तो एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसका ना एकदम अच्छा सा सेमी थिक लिक्विड बैटर रेडी करना है। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है, मैदे का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेनिला फ्लेवर वाला जो कस्टर्ड पाउडर आता है मार्केट में, आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अलग से वेनिला एसेंस डालने की जरूरत नहीं है। इसे हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहे। देखिए कितना प्यारा हरा कलर इसको आ चुका है, और ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ये रिबिन की तरह गिरना चाहिए। इस तरह से जब हम उठा के देखें तो बिल्कुल रिबिन की तरह गिरना चाहिए, तो टूट के नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप ही पानी इस्तेमाल किया है, तो पानी का रेशियो आप ध्यान में रखें। अब इसे ढक देते हैं और इस बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बैटर एकदम अच्छे से रेस्ट करके रेडी है। और ये देखिए फिर से एक बार मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ, इस तरह की रिबिन की तरह गिरने वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह का पाइपिंग बैग लिया है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास इस तरह का पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो पॉलीथीन आती है अच्छी क्वालिटी की वो ले सकते हैं, इस तरह का जिप लॉक बैग आता है वो भी आप ले सकते हैं। और सिंपल अगर ये भी सब नहीं है तो जो घर में दूध की थैलियाँ होती है ना, दूध आता है तो दूध आने के बाद जो थैली हम रखते हैं उसे अच्छे से वॉश करके उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ग्लास में इस तरह से इसे रखेंगे और इस बैग में ये चम्मच भरकर हम इसमें बैटर डालेंगे, जितना आता है उतना डालेंगे। तो मैं इसे इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें बैटर डाल दिया है, और ये देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग को रेडी कर लिया है। आज का जो हम स्नैक्स बना रहे हैं उसमें हमें तेल घी बटर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, और देखिएगा कि कितना अच्छा बढ़िया बन के नाश्ता रेडी हो जाता है एकदम हेल्दी वे में।
तो गैस पे मैंने इसके लिए पैन चढ़ाया है, और सबसे पहले पैन को जो है हमें मीडियम हॉट करके लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इसे मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेते हैं। अभी हाथों को आँच जो है गर्म लग रही है। अब क्या करेंगे, जो हमने पाइपिंग बैग बना के रखे ना, इसका जो नीचे का जो हिस्सा है उसे हम कट कर लेते हैं। बहुत मोटा नहीं रखना है, एकदम छोटा वाला कट मारना है। और अब हम इस तरह से इसे पैन में डालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ड्राइंग करने वाले हो या फिर पेंट करने वाले हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आता है वैसे आप कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि एकदम परफेक्ट जलेबी की तरह गोली गिरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। अब कुछ नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है। 1 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि अब ये ऊपर से ड्राई हो गया है और नीचे से भी हल्का कुक हो गया है। और इसे हम पैन में इसी तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए आसानी से फोल्ड हो जाता है, कहीं भी टूटता नहीं कुछ नहीं। तो इस स्टेज पे ये देखिए बहुत ही ये आसानी से पैन को छोड़ भी रहा है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, जबकि हमने यहाँ पे तेल या बटर कुछ भी नहीं लगाया। और ये देखिए कितना बढ़िया रोल बन के रेडी हो गया है। और इसी तरह से हम बाकी के भी जो रोल है उसे बना के रेडी कर लेते हैं। सिंपल है, इस तरह से लेंगे, इस तरह से सर्कल सर्कल बनाएंगे और ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा फ्लावर शेप, जैसे नॉर्मल जलेबी के लिए हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे करना है। अगर आपको ये करने में मुश्किल आ रही है तो आप इसे बहुत ही एक आसान तरीके से बना सकते हैं। और जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, आप एकदम पतले पतले जो पैनकेक आते हैं उस तरह से भी आप बना के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, जैसे चाहिए आप वैसे बना सकते हैं। खाने में ये जबरदस्त लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट भर के सारे रोल जो है रेडी कर लिए हैं। और यकीन मानिए मैंने जैसे कि कहा था कि इस तरह का नाश्ता इससे पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। दिखने में जितना खूबसूरत है ना, ये ज्यादातर बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। खाते समय बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें पालक डाला है। इस तरह से बनाकर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।